मनुष्य शिव विधाता अब सुबह हो गया और मैं चुपचाप जग करके चल दिया। जाने से पहले भिखारिन को जगा देता हूं और मैं इस जंगल को छोड़ करके अपने राज की ओर उत्तमपुर शहर चला जाऊंगा। अरे वो भिखारी ने जगो और देखो अब सुबह हो गया, अब मैं अपने राज्य उत्तमपुर शहर को जाना चाहता हूं। भिखारी झोपड़ी से बाहर आओ। परदेसी जी क्यों आप सुबह होके चिल्ला रहे हैं? हाँ भिखारी ने अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। अपना घर जाना चाहते हैं? हाँ भिखारी। कोई बात नहीं परदेसी जी, चले जाइएगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। भर रात मेरे झोपड़ी में आप विश्राम किए तो सुबह हुआ आप जाने लगे, मैं आपसे कुछ निशानी मांगना चाहती हूँ। निशानी? मुझे आप कोई निशानी देकर जाइए। लेकिन भिखारी इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? मैं तो जंगल में शिकार के लिए आया था और तू निशानी मांग रही है, तो फिलहाल मेरे हाथों में एक मुंद्रिका है। दे दीजिए परदेसी जी। तुम ये मुंद्रिका मेरे तरफ से रख लो और जाओ अपने झोपड़ी में जाकर के आराम करो और मैं यहां से अपने राज्य उत्तमपुर शहर को जा रहे हैं। प्रणाम परदेसी जी। खुश रहो, अपने झोपड़ी में विश्राम करो भिखारी, और मैं यहां से अपने राज को चलता हूं। स्वामी जी गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक महल तक नहीं आए हैं। और आज मुझे यकीन है कि आज मेरे स्वामी जी मेरे पास जरूर आ जाएंगे महल, और मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ। हेलो दिल ना लगी Bye.
प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो महारानी, दरबार में आकर के क्या कर रही है? स्वामी जी मैं महल में आपका इंतजार करते करते थक चुकी थी, इसीलिए मैं दरबार में आपकी इंतजार कर रही थी आके। अच्छा तो तू इंतजार कर रही है? हाँ। लेकिन महारानी मेरा प्रतीक्षा पूरा हो गया, तो ऐसा कीजिए स्वामी जी यहाँ से चलिए महल, अपने वादा को पूरा कीजिए। सही कह रही है महारानी, मैं जंगल से शिकार खेल करके वापस आ गया हूँ। चलो चलो हम लोग हवेली चल करके आराम करते हैं। क्यों नहीं, वादा न तो, वादा न तो, क्या बात है, वादा न तो। और आइए, बहुत देर से आप लोग